गाइज गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइज रेडी हो चुकी हूँ और वो किस लिए हुई हूँ बताती हूँ आपको, क्योंकि हमारी रक्षाबंधन अभी तक बाकी है, रक्षाबंधन अभी तक सेलिब्रेट नहीं हुआ है हमारा, तो इसी वजह से माही भी रेडी हो चुकी है, दीपाली भी रेडी हो चुकी है, यहाँ पर अद्विक भी रेडी हो चुका है, देखो अद्विक ने क्या पहना है, और क्या बोलते हैं, तो सब लोग रेडी हो चुके हैं, सिर्फ भाई रेडी होना बाकी है भाई का, और ये अभी ड्यूटी गया है तो इनका भी रेडी होना बाकी है, तो ये आएंगे उसके बाद हम लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं वो आपको बताती हूँ। अद्विक नहीं फोड़ा इसे बेटा, दिखाती हूँ मैं आपको क्या हो रहा है। तो यहाँ पर दीपाली का लुक कुछ इस तरह से है। हाँ दीपाली ने वाला ड्रेस पहना है मरून कलर का, और देखो यहाँ पर हम लोग पानी पूरी की तैयारी कर रहे हैं, एक्चुअली चैलेंज कर रहे हैं हम लोग, ये वो चैलेंज आपने पहले ही देख लिया होगा, ये ब्लॉग उसके बाद आएगा। तो अभी देखो ये जो है पानी बना रही हूँ मैं, यहाँ पर पीस के रखा है सब कुछ, तो ये मसाला भी इसमें ऐड होगा। यहाँ पर ये पानी पूरी का DDS का मसाला है, ये मैंने ऐड किया है यहाँ पे। उसके बाद ये वाला जो मिर्च और इसका मसाला मैंने बना के रखा है वो उसमें ऐड करूँगी, ये पानी बना लूँगी अब वाली पूरियाँ वगैरह निकाल रही है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं पानी पूरी चैलेंज, और आप लोग बोल रहे थे ना कि भाभी के साथ पानी पूरी चैलेंज करो, भाभी के साथ पानी पूरी चैलेंज करो, तो मैंने सोचा चलो फाइनली अभी भाभी भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो चलो कर लेते हैं पानी पूरी चैलेंज। तो वही चल रहा है अभी, उसके बाद राखी बांधेंगे, रक्षाबंधन का प्रोग्राम होगा, श्रीकांत को भी बुला लिया है अभी, और मुझे चलता नहीं था ना, तेरी भी होना बाकी था, मेरी सासू माँ की मतलब जो काकी सास की डेथ हो गई थी ना मेरे, तो इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था घर पे, मतलब तेरी भी होने तक कुछ भी नहीं कर सकते थे हम लोग, राखी भी नहीं बांध सकते थे, तो इसीलिए अभी रक्षाबंधन बाकी था हमारा, तो भाई आया हुआ ही है यहाँ पे, तो मैंने सोचा चलो रक्षाबंधन भी सेलिब्रेट कर लेते हैं और अभी ये पानी पूरी का चैलेंज भी कर लेते हैं, आप लोग बोल रहे थे तो अभी वही करेंगे। और अभी टाइम था इसी वजह से पानी पूरी चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि इनको आने के लिए टाइम है, वो गया है ड्यूटी, तो उधर से आएंगे उसके बाद फिर हम लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे, तो इसीलिए तब तक फिर हम लोग ये पानीपुरी चैलेंज कर लेते हैं। चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे, ये चैलेंज खत्म हो जाए उसके बाद मिलती हूँ आपसे। पानीपुरी निकाल के रखी है, एक प्लेट में दीपाली की है, एक प्लेट में मेरी है, अभी हम लोग करने वाले हैं पानीपुरी चैलेंज। ने आज इंडियन वेयर पहना है, देखो आज का माही का लुक बहुत सुंदर लग रही है आज माही, वाह 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 वाह, अच्छी लग रही हो इंडियन वेयर में, और नानी को तो यही लुक पसंद आता है। मम्मी बोल रही है माई ऐसे ही पहना करो, मैंने बोला नानी के एज के लोग ऐसे ही बोलेंगे कि इंडियन वेयर ही पहना करो बेटा, देखो सुंदर लग रही हो, बट ये देखो हमारा गोलू, वाओ अच्छा लग रहा है ना, सुंदर लग रहे हो, किसी दो। चलो फिर पानी पूरी का पानी बनाती हूँ, ये तो अद्विक पूरी खा भी रहा है उसमें से, का मसाला रेडी हो चुका है, ये दीपाली ने रेडी किया है, अभी मेरा पानी रेडी हो रहा है, इसमें डालती हूँ मैं। ये गाइस चैलेंज तो हो गया है हमारा, और बहुत अच्छे से चैलेंज हुआ है, आपने तो देख ही लिया होगा। तो चलिए फिर अभी श्रीकांत आया है, विवेक है, ये आए हैं ड्यूटी से, तो अभी हम लोग करने वाले हैं रक्षाबंधन का प्रोग्राम। अरे दो उंगलियों से करो ना ऊपर ऐसे थोड़ा सा, हाँ 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 हाँ, अरे वाह ऊपर देखो अद्विक, चक्कर है थे पांच बार, अभी हाँ देव राखी बांधो पहले, हाँ ती तुझी से है राखी, अरे वाह आ हा, अद्विक गिफ्ट लाया कि नहीं, ऑर्डर कर दिया हाँ? ऑर्डर कर दिया क्या, अभी तक आया नहीं क्या, आया नहीं। और मुझे चाहिए अरे अरे आपका गिफ्ट नहीं बोल रहे, दीदी के लिए गिफ्ट बोल रही हो, दीदी के लिए और मेरा भी गिफ्ट ना दिए मुझे, ये लो दिखने में तो बहुत अच्छा है,
अद्विक मीठा था पेड़ा, बहुत अच्छा था। अभी पैर पड़ो दीदी के। दीदी का गिफ्ट कहाँ है? दीदी का गिफ्ट गाड़ी में। हाँ कौन सा? अरे 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 ये फोड़ा हुआ अद्विक, वो दे दो ना पैक वाला। पेड़े खा लो पहले। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहनों है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, सबका कहना है। जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आंखों में नींद ना दिल में छेना है, सारी उम्र हम संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। कह जो कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हम संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हम संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों मेरी बहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हम संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, सबका कहना है। जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आंखों में नींद ना ले गए। अभी हम लोग जाने वाला है खाना खाने के लिए, सब लोग निकल रहे हैं। गौरी भी आ गई है, गौरी श्रीकांत सब लोग आ गए यहाँ पर, देखो गौरी है। हम लोग सभी निकलने वाले हैं, बट बारिश इतनी ज्यादा तेज हो रही है कि क्या बताऊँ आपको। बट क्या पता अभी ओपन हो गए या नहीं हो गए ये होटल्स, पता नहीं। बट फिर भी जा रहे हैं, जो भी होटल मिल जाए वो अपना, है ना। इतनी ज्यादा तेज बारिश हो रही है, अभी बारिश होनी थी। चलो कहाँ जा रहे अभी? खाना खाने पता है मुझे। अभी तो बोल रहे थे पता नहीं है, बताया नहीं था, मजाक कर रहे थे। देखो भाई लेने वाला है अपनी गाड़ी और हम लेने वाले हैं अपनी गाड़ी।
दोनों गाड़ियां लेके जाने वाले हैं। चलो आ गए हम लोग यहाँ पर खाना खाने, और होटल का नाम तो आपने देख ही लिया है, फिर से बता रही हूँ, मानसरोवर होटल है। अगर आप अमरावती से हो तो आप आ सकते हो यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ की जो सर्विस है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोग जब फर्स्ट टाइम आए थे उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ की सर्विस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। उसी टाइम ओपनिंग हुई थी शायद इस होटल की, उस टाइम हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विस लगी थी, और अभी भी सर्विस अच्छी ही देते हैं वो। बट थोड़ी सी भीड़ रहती है, वेट करना पड़ता है। आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत देर तक हमें वेट करना पड़ा, तब जाके हमें ये फैमिली टेबल मिला और फाइनली हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है। यहाँ पर मिक्स वेज है, उसके बाद नरगिसी कोफ्ता है और दाल मखनी है, उसके बाद हम लोगों ने लास्ट शेव भाजी भी ऑर्डर की थी। तो ये सब कुछ है आज मतलब डिनर में, और बाद में हम लोगों ने जीरा राइस वगैरह ऑर्डर कर दिया था, तो यही है बस। चलिए अभी डिनर कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ का खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है, मुझे यहाँ के टेस्ट बहुत पसंद है। अगर आप आना चाहते हो तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, यहाँ की टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरा कैसा है कि मैं अलग अलग रेस्टोरेंट ट्राई करती रहती हूँ, तो जो अच्छा लगता है उसमें फिर बाद में जाते हैं, और कभी गेस्ट आ जाते हैं ना तो उस टाइम फिर जो अच्छा है उसी में जाते हैं, उस टाइम अलग ट्राई करने का नहीं सोचते हैं, क्योंकि वहाँ का खाना अगर नहीं अच्छा लगा तो फिर बाद में पछतावा होगा, इसीलिए। साला अद्विक 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 ए पिल्लू इकड़ो, चला 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 चल चला, बाय बाय चाललं ना तुम्ही अकोटला, त्याला लक्षात नाही, त्याचं लक्ष नाही ना म्हणून आज अकोटला चालले ते आजी पावसा निघून गेला आणि हे मिळालं जेवणही झालं जेवणही झालं।
निकले। ये गाइस घर पे आ गया है और चलिए इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। 11:30 बज गए अभी और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो छोटा सा ब्लॉग नहीं बड़ा सा ब्लॉग, और पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसके अलावा मेरे दो और चैनल है, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय गाइस, ध्यान रखना अपना। इकड़े 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 कैमरा वर।